डीबी भारती समाचार की खबर का हुआ बड़ा असर। खबर प्रकाशित तो होते ही प्रशासन हरकत में आया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष कमल चुक की कार सीज कर धारा 420 में मुकदमा दर्ज। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एवं विधायकों ने अपना पल्ला झाड़ा। भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा हमारे संवाददाता को फोन कर दी गई जानकारी के अनुसार कमल चुग को नोटिस दे दिया गया है कि पास कहां से और किस तरह लगाया गया और किसकी अनुमति से लगाया गया। हमारे संवाददाता ने कमल चुग से स्पष्टीकरण मांगना चाहा तो उन्होंने फ़ोन पर यह कह दिया कि मैं 15 मिनट बाद फ़ोन करता हूं, परंतु दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया। आज एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी पत्रकारों को दी है। पुलिस को कि एक गाड़ी है एक्सयूवी जिस पर एक विधायक विधानसभा सचिवालय का पास उत्तर प्रदेश लखनऊ से इशू है, वो पास उसमें लग के घूम रहा है। गाड़ी की जांच की गई तो पता चला गया कि वो विधायक की गाड़ी नहीं है, वो कमल चुक नाम के व्यक्ति की गाड़ी है और विधायक नहीं है। उस गाड़ी को जब्त किया गया और अभी पास को भेज दिया गया है जांच के लिए कि जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं कि वो जाली पास कैसे लगा के घूम रहा था उसके अनुसार इस पर कार्रवाई हो जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।